अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कादरी सोलर सॉल्यूशन और मैं हमजा है। और आज मैं आपको मुकम्मल डीसी वायरिंग का तरीका समझाऊंगा। इस सिस्टम के अंदर हमने 260 वाट के जिनको के बाईफेशियल पैनल लिए हैं, एक अदद 175 एम्पेयर की AGS की बैटरी लिए। सिस्टम में हमने 3 अदद खुर्शीद के फ़ैन, 2 अदद जिनको के बाईफेशियल 260 वाट के और 10 अदद आज़ाद की डीसी लाइट्स। इसको इंस्टॉल करने का आपको तरीका समझाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं अपना। आपको पैनल का बताऊं तो पैनल के ओपन सर्किट वोल्टेज जो हैं वो 25 हैं और 13 एम्पीयर इसके शॉर्ट सर्किट एम्पीयर हैं। पैनल को हमने माउंट कर दिया L2 स्टैंड पर और ये इसकी वायर से कनेक्ट कर दिया है। और उसमें जो वायर यूज़ की है 4 mm की वायर है, फुल गेज डबल कोर। इस वायर के अंदर देखें निशान है माइनस और प्लस का। और ये जो पाइप है जो नीचे वाले हमारे फ्लोर पे जा रहा है, जो कंट्रोलर में ये वायर जा रहा है। तो भाई ये मैं आ गया हूँ इन्वर्टर की तरफ, हमारा कंट्रोलर इंस्टॉल हुआ है। और अगर आप चाहते हैं इस कंट्रोलर की सेटिंग भी आपको पता चले तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके चाहना है कंट्रोलर की आप सेटिंग देख सकते हैं। हमने इसके अंदर बैटरी इंस्टॉल की है 175 एम्पीयर की AGS की। पैनल के इस वक्त एम्पीयर आ रहे हैं 11.6 और बैटरी सब फुल है 13 वोल्ट। ये कैमरे की वजह से बिलिंग हो रही है, बाकी कंट्रोल स्मूथ लाइट दे रहा है आपको। ये जो इन्वर्टर है इसकी वर्किंग ये है कि ये जो मैंने लाइन दी हुई इलेक्ट्रिक की इनको LCD चलाने के लिए, उसके लिए इन्वर्टर दिया हुआ है ताकि इनके LCD LED भी चल जाए लोड शेडिंग में। और ये जो आपको वायरें दिख रही हैं 3 अदद, इसमें एक सोलर की है, सोलर की मेन वायर है जो हमने 4 mm की फुल गेज लगाई है। और ये जो येलो कलर की तार है ये सारे फ्लोर की मेन वायर है जो हर फ्लोर में उतर रही है। इसके अंदर 2 mm की डबल कोर वायर है जो हमने पंखे में दी हुई है और लाइट के लिए 1.5 mm की वायर दी हुई है। हर पंखे की तार हमने अलग डाली है और आप भी हर पंखे की वायर अलग डाली है, क्योंकि अगर आप एक तार पे 2 पंखे चलाएंगे तो आपका इसके अंदर पंखा जब भी एक साथ 2 चलेंगे तो उसके वोल्टेज जो है अप डाउन होंगे और पंखा आपका स्लो हो जाएगा दोनों। अब ये देखें तार के अंदर जो DC वायर होता है ना, उसके अंदर निशान दिया होता है। आप कोई से भी एक निशान वाला वायर पॉजिटिव कर दें या नेगेटिव कर दें और बाकी निशान वाला आप नेगेटिव या पॉजिटिव कर दें, इससे आसानी हो जाएगी, आपको परेशानी नहीं होगी। इसके अंदर मैंने यहाँ पर सोलर दिया है, फिर बैटरी दी है। सबसे पहले आप बैटरी कनेक्ट करेंगे, डिस्प्ले ऑन करके फिर सोलर का करंट लगाएंगे अगर देने तो, क्योंकि आपका कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट बैटरी डिपेंडेंट होते हैं सारे कंट्रोलर, अगर आप इसको बैटरी पहले नहीं देंगे और सोलर दे देंगे तो आपका कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले बैटरी दें उसके बाद, और उसको मैंने लक्स पंच से यहाँ से पंच करके इनको टर्मिनल में टाइट किया है ताकि इसमें कोई लूजिंग ना रहे, कार्बन ना आए। ठीक है, एक मेन लाइन मैंने 2 यहाँ आ रही है, एक लाइट की, एक पंखे की और एक LCD LED की। LCD LED का बटन है, एक हमारा लाइट का बटन है, पंखे के अंदर कोई बटन नहीं है। पंखे की डायरेक्ट लाइन मैंने पंखे में दी है और उसके चलाने का आपको तरीका भी बताता हूँ कैसे ये अब चलेगा। क्योंकि हमने जो DC वायर लगाया है उसके अंदर कोई बटन नहीं दिया। रिमोट दिखाना, अब जैसे ही मैं रिमोट पे 4 दबाता हूँ ये ऑन हो जाता है। अगर पंखा ऑन है और लाइट चली गई तो ये खुद ब खुद ही सोलर पर आ जाएगा। और अगर आपका इलेक्ट्रिक का बटन ऑन है, ये इलेक्ट्रिक का बटन ऑन है तो ये जैसे ही लाइट आएगी ये ऑटोमेटिकली बिजली पे हो जाएगा और सोलर पे से डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें कि पंखे के अंदर बटन ना लगाएं, क्योंकि पंखे के अंदर का बटन लगाएंगे आप तो अगर बटन बंद रह गया रात में तो आपका जो जैसे ही आप अगर रात में बे टाइम लाइट जाती है तो आप उसमें परेशान हो जाएंगे। इसके अंदर रात की लाइट लगाइए, मकसद आपको वीडियो पिक्चर्स में दिखाता हूँ। ये लाइट की रोशनी है, कमरा पूरा रोशन हो गया है, ये इसका लुक आ गया। अब मैं चले के आता हूँ आपको जो इन्वर्टर की मैंने लाइट का पॉइंट है जो हमने दिया है, इससे मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है। ये देखें मोबाइल की लाइट जल रही है, चार्जिंग पे मोबाइल। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ बात समझ में नहीं आ रही हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।